नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आई रुक करते हैं एशियन रफ्तार की ओर। शाहजहांपुर में जंगली सुअर का क्या शिकार, सुअर का शिकार कर खाया मां, 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, आरोपियों का निकाला जुलूस, आरोपियों को कार्यालय में किया पेश। छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के निर्देश पर हुई कार्रवाई, जुआ खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, बरामदे में 20 लोग जुआ खेलते मिले। कन्नौज में सागवान वृक्षों की चोरी करने वाली गैंग गिरफ्तार, सिल्लियों से भरा पिकअप वाहन के जब्त लकड़ी, तस्करों में मचा हड़कंप। बैतूल में अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे कलेक्टर, डॉक्टरों सहित नर्स व स्टाफ को लगाई फटकार, जल व्यवस्था एवं गंदगी देखकर हुए नाराज। बुधनी में शिक्षक सिखा रहे योग और तैराकी, नर्मदा घाट पर सिखा रहे योग, 200 से भी अधिक युवाओं को निःशुल्क सिखा रहे शिक्षक, शिवहरे पानी में करते हैं योगा। दतिया पुलिस ने महानिरीक्षक संभल संभाग निरीक्षण करने पहुंचे, थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया, इस दौरान रात्रि विश्राम दतिया किया गया, भ्रमण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंदौर में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, कई ट्रेनों में जर्मन तकनीक वाले LHB कोच लगाए जाएंगे, इन कोचों में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, नए कोच आरामदायक, सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। रायसेन के बाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, अवैध शराब के साथ महिलाओं को किया गिरफ्तार, आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई, जब्त सामग्री अनुमानित मूल्य 9 लाख रुपए। देवास में पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन, जिले भर में की गई कॉम्बिंग, गश्त वाहनों का सघन चेकिंग अभियान जारी, 800 से अधिक पुलिसकर्मी गश्त में रहे मौजूद। देश में 7 चरणों के मतदान संपन्न, अब सामने आ रहे एग्जिट पोल से बीजेपी उत्साहित, एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही, मोदी की चुनावी लहर में अच्छे बह जाएंगे। भोपाल में नालों की सफाई और मरम्मत को लेकर चला रहे अभियान, अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी लापरवाही बरत रहे, अतिक्रमण की वजह से 60% नालों की सफाई नहीं हो पाती। वो पूरे प्रदेश में जारी है गर्मी का प्रकोप, कई जिलों में तापमान 47 डिग्री पार हुआ, बच्चों और बुजुर्गों को रहता है लू लगने का खतरा, डॉक्टर की सलाह, बेवजह तेज धूप में ना निकले। पीतमपुर में निजी कंपनी में लोहा चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा गया, 6 टन लोहे की चैनल के साथ पकड़ाया आरोपी, लोहे की कीमत करीब 5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून का हो सकती है शुरुआत, आपको बता दें कि कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया, बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। पुनासा में निर्माणाधीन ब्रिज का काम बंद पड़ा, 22 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण, निर्माण कंपनी की लापरवाही आई सामने। बीकनगांव में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई, शराब की कीमत लगभग 2,55,000 रुपए, पुलिस मामले की जांच कर रही। गांव गांव जाकर करेंगे मलेरिया के प्रति जागरूक, मलेरिया रथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, प्रतिवर्ष जून माह को मलेरिया माह के रूप में मनाया जाता है, मानसून के शुरू होते ही मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ जाती। धामनोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 84,000 का गांजा किया बरामद, आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी। सागर के जिला अस्पताल में से नवजात बच्चा हुआ चोरी, बच्चा चोरी होने से अस्पताल में हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चा मिला, पुलिस ने चंद घंटों में ही खोज निकाला बच्चा। छिंदवाड़ा में अभिभाषक कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई, कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बांद्री में उज्जैन की तर्ज पर बना खेजरा महाकाल धाम, महाकाल धाम में लगा रहता है भक्तों का तांता, भक्तों ने मिलकर करवाया मंदिर का निर्माण। इंदौर में जल संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा अभियान, कुएं और बावड़ियों को किया गया चिन्हित, यह कार्य जन सहभागिता से किया जाएगा, इससे जल स्रोतों के लिए जन चेतना जागृत होगी। बड़वा में सेवानिवृत्त हुए सैनिक शेर सिंह राठौर पहुंचे बड़वा, नगर में सैनिक राठौर का भव्य स्वागत किया गया, पुष्पमाला पहनाकर नगरवासियों ने किया स्वागत। फिलहाल एशियन रफ्तार में इतना ही, आप खबरों के लिए बने रहिए एशियन भारत के साथ।